Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about type of valve in pipe. कितने types के valves होते हैं pipe के अंदर, इनके बारे में हम discuss करेंगे. तो first है हमारा sluice valve. Sluice valve जो है इसको हम stop valve भी कहते हैं, shut off valve भी कहते हैं and gate valve भी कहते हैं. इसको हम ये सब क्यों कहते हैं, देखिए आपको जैसे अभी फिगर में एक देख रहा होगा, यहाँ पे वॉल्व है एंड वाटर का फ्लो आप एरो से देख रहे होंगे. तो ये क्या करता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है ये स्लूस वॉल्व. वाटर हैमर एकदम से बंद करने पे, अगर हमने सपोज वॉल्व को एकदम से बंद कर दिया तो वाटर हैमर जो होता है एकदम से वो होता है इसमें. एंड इसकी लोकेशन क्या होती है स्लूस वॉल्व की, पाइप के क्रॉसिंग्स पे लगाए जाते हैं. अब इसको हम स्टॉप और शट ऑफ गेट क्यों कहते हैं, अगर यहाँ पे हमारा पानी जब यहाँ पे जा रहा है जैसे आप देख रहे हैं एंड ऊपर से आपको ये आपके ऊपर जो ये अभी आपको साइन दिख रहा होगा, इससे हम क्या करते हैं इसको हम बंद कर देते हैं, ये नीचे आ जाता है, मतलब ये कंट्रोल कर देता है फ्लो ऑफ वाटर को, ये आगे नहीं जाने देता है इस पानी को. तो एक तरह से स्टॉप कर देता है, शट ऑफ कर देता है उसको एंड ये एक तरह से गेट का काम भी कर रहा है. वैसे इसका मोस्ट कॉमन नेम स्लूस वॉल्व है, बट आप इन तीनों नाम को याद रखिएगा अगर सपोज कभी पूछ रहा है कि स्टॉप वॉल्व क्या है या शट ऑफ वॉल्व क्या है, तो ये स्लूस वॉल्व ही होते हैं. नाउ सेकंड हमारा रिफ्लक्स वॉल्व है. रिफ्लक्स वॉल्व जो होते हैं हमारे नॉन रिटर्निंग वॉल्व होते हैं एंड इसको हम चेक वॉल्व भी कहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा. ये नॉन रिटर्निंग वॉल्व है एंड चेक वॉल्व है. आप जैसे अभी आप फिगर में देख रहे होंगे वाटर का फ्लो इस तरफ से होता है, जब फ्लो होता है तो ये जो यहाँ पे ये वॉल्व है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. और जब फ्लो नहीं होता है तो ये वाटर को ये रिटर्न नहीं करने देता है, वापस की तरफ नहीं आने देता है. ये नॉन रिटर्निंग वॉल्व है, यहाँ से पानी वापस की तरफ नहीं आता नीचे. ये डिप्रेशन पॉइंट पे लगाए जाते हैं रिफ्लक्स वॉल्व को. थर्ड है हमारा एयर रिलीफ वॉल्व. एयर रिलीफ वॉल्व क्या होते हैं, जहाँ पे इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई होता है ना, टाइम से पानी आता है जैसे घर पे कि सुबह 5 बजे आया शाम को 5 बजे आया, तो जब एक बार पानी का पानी फ्लो हो गया उसका जब वहाँ से पानी कट ऑफ हो गया तो पाइप में क्या बच जाएगा, सिर्फ एयर बच जाएगा. तो उसी एयर को ये रिलीव करता है ये वाटर, सॉरी ये वॉल्व जो है ये उस एयर को रिलीव करता है. तो ये हमारे समिट पॉइंट पे लगते हैं, जहाँ पे ये इतना याद रखना जो एयर रिलीफ वॉल्व है ये इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई जहाँ पे होती है वहाँ पे यूज़ होते हैं. फोर्थ है वाटर रिलीफ प्रेशर रिलीफ वॉल्व. प्रेशर रिलीफ वॉल्व को हम सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं. नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व है ये हमारे रिड्यूस करता है प्रेशर को, जो पाइप के अंदर होता है प्रेशर उसको ये रिलीव करता है, जो वाटर हैमर की वजह से होता है या वाटर हैमरिंग होती है इन सबको वो कम करता है. फिफ्थ हमारा स्कोर वॉश आउट वॉल्व और ड्रेन वॉल्व. अब ये जो है ये आपको नाम से पता लग रहा है वॉश आउट वॉल है, मतलब ये फिनिशिंग पॉइंट पे लगेगा. अब हम कहीं बीच में तो स्कोर नहीं कर देंगे, बीच में तो हम खाली नहीं करेंगे, वॉश आउट नहीं करेंगे उस वॉल्व को या ड्रेन नहीं करेंगे पानी को सारा, तो ये फिनिशिंग पॉइंट पे लगेगा, वहीं पे हम करेंगे सारा, तो ये फिनिशिंग वॉल्व पे लगता है. जैसे हमें पाइप वगैरह की सफाई करनी है या कुछ ऐसा है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये स्कोर वॉल्व जो होते हैं वो हमारे साइड में सबसे एंड में फिनिशिंग पॉइंट पे लगे रहते हैं, उनको हम खोल देते हैं तो सारा जो हमारा होता है वॉश आउट हो जाता है जितनी भी हमारी गंदगी रहती है पाइप के अंदर. सिक्स्थ है हमारा मड वॉल्व. मड वॉल्व क्या होता है, जो एलिवेटेड टैंक होते हैं ना, एलिवेटेड टैंक जैसे आपने बहुत जगह देखे होंगे कि ऊपर एक टैंक सा बना होता है, अभी आप फिगर में देख रहे होंगे, जो एलिवेटेड टैंक के बॉटम में ये लगे होते हैं, ये जो मड वॉल्व होते हैं ये भी साफ़ सफाई के काम में ही आते हैं, मतलब जो टैंक के अंदर जितना भी ये मिट्टी विट्टी जमा हो जाता है उनको ये रिमूव करने के काम में आते हैं मड वॉल्व. जब भी हम इसको खाली करते हैं टैंक को, साफ सफाई करते हैं इसकी, तो ये नीचे लगा होता है ये मड वॉल्व, इसको हम ओपन कर देते हैं एंड उधर से ये सारा का सारा जितना भी हमारा डर्टीनेस होता है वो बाहर आ जाता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.